सिंह। एक साथ प्रेयर के साथ दिन की शुरुआत। चित्ता से पदेन वाचा मनम शरीर सच वैदिकी प्रवरम मुनीना पतंजलिं प्राञ्जलरान तोस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णदेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तेजी से हाथों का वर्षण करेंगे। अभ्युत्पाम प्रत्युत्पाम अनुराइस। आज हम क्या करेंगे? चेयर वर्कआउट। आप अपनी चेयर्स ले आइए। मैं तो चेयर पे बैठी हुई हूँ। तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत। सिर्फ चेयर है ना, सिर्फ चेयर रखना है। सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। जब हाथ को ओपन करेंगे इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। हाथ को पीछे ले जाइए, इनहेल एक्सहेल। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, इनहेल एक्सहेल, इनहेल। मणिबंध चक्रण, रोटेट योर रिस्ट ज्वाइंट को रोटेट करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, ऊपर जाएगा तो इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। स्लोली स्लोली कुर्सी पर बैठकर आराम से इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए मैं सूट में आई हूँ, सूट में जान करके आई हूँ। आप ये चेयर वर्कआउट सूट में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको लोअर टी शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है। यस इन्हें सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो। बस कम से कम 10 बार करेंगे। 1 2 इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली स्लोली पावर। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। One, two,
कौनी नमन करेंगे, कौनी नमन, ओपन ये मेल एग्जिट, मेल एग्जिट, कोहनी चक्र, यहां से इस हाथ को सपोर्ट देंगे, इन्हेल पीछे ले जाएंगे हाथ को, अनएक्सेल इन्हेल, अनएक्सेल इन्हेल, अनएक्सेल। व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? छोटे बच्चे में ज्यादा होती है, उस बड़ा होते होते 106 हड्डियां होती है। सबसे बड़ी कौन सी हड्डी रहती है? फेमुर बोन, जो पैर में रहती है। अब आपके सारे बॉडी में जॉइंट्स होते हैं जिनसे हम मूवमेंट करते हैं। अगर ये जॉइंट्स नहीं होंगे तो हमारा मूवमेंट होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर भी एक जॉइंट है, और ये ऐसा जॉइंट है कि हमारा हाथ पीछे भी चला जाता ना। पर यहाँ पर आप जॉइंट है जैसे कहोगे, ये हाथ पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा जॉइंट है जिससे वो हाथ हमारा पीछे नहीं जा रहा है। कोहनी चक्र, इन्हेल एग्जेल, इन्हेल 10 टाइम्स, इन्हेल एंड एक्सेल करेंगे। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, करते जाइए, मुझे मत देखिए। दोनों हाथ से इन्हेल एंड एक्सेल, इन्हेल एंड एक्सेल। वैसे ही आगे की तरफ, जैसे पीछे करा था आगे की तरफ करेंगे। नेल नेल, ये भी आगे की तरफ, नेल नेल नेल। नेक रोटेशन करेंगे, दोनों हाथ आराम से कुर्सी पर रख सकते हैं, नेक को रोटेट करेंगे। जब आप नेक को पीछे ले जाएंगे यहाँ पर स्ट्रेच महसूस करिए। इन्हेल नेक पीछे जाएगा, इन्हेल नीचे जाएगा, एक्सेल इन्हेल। और विशुद्धि चक्र जहाँ पर स्थित होता है, विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है, थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और नेक को पतला करता है, जो कि आपका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जहाँ से ब्यूटी का प्रतीक है पतला नेक। तो आपका एक्सरसाइज 1 2। अब ब्रह्म मुद्रा, इस यहाँ से सपोर्ट करेंगे, अपोजिट साइड देखेंगे, होल्ड करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल यहाँ पर सांस लेंगे, एन एक्सेल इनहेल, एन एक्सेल। बॉडी को इस तरीके से आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रख देंगे। यहाँ पर स्ट्रेच को महसूस कीजिए, होल्ड करिए बॉडी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेल। अब राइट साइड पे पूरा सिर को नीचे रख के होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक को रोटेट करेंगे पूरा स्लोली स्लोली, पीछे ले जाके डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल, इनहेल, पीछे घुमाएंगे सांस लेंगे, आगे लाएंगे सांस को, पीछे घुमाएंगे सांस लेंगे, आगे आएंगे सांस को छोड़ेंगे, अगेन बैक, आगे आएंगे सांस को छोड़ेंगे, फिर अगेन इनहेल, सारी नर्व का कनेक्शन कहाँ से जाता है? गले से होके जाता है। जितनी भी नर्व होती है
कि हमारे शरीर में 12 क्रेनियल नर्व, 31 स्पाइनल नर्व होते हैं, है ना। अपना अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक ले लीजिए। अपोजिट साइड में यहाँ पर इनहेल एंड एक्सहेल, बड़ा स्लोली स्लोली करना है। हैव अ ब्रेक, 10 सेकंड का ब्रेक है, आप अपना पानी पी लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू। मैं अफ्रेश पी रही हूँ अभी आज सुबह, पीच फ्लेवर का, इस तरीके से मैंने अफ्रेश डाला जिनको अफ्रेश बनाना नहीं आ रहा है। पहले 1 चम्मच अफ्रेश डालेंगे, उसके बाद उसमें जल डालेंगे, आपका अफ्रेश बन जाएगा। इस तरीके से अफ्रेश बनता है। अब ये अफ्रेश डाला, इसमें ये बन गया, वेरी सिंपल। अपोजिट साइड, नेक को अपोजिट साइड रोटेट करेंगे। अपनी पानी की बॉटल अपने पास में रखें, ठंडे पानी गर्म पानी किसी में भी अप्रेश को बनाए रखें। डीप इनहेल, अपोजिट साइड, एक्सहेल, डीप इनहेल। अब देखिए आपको गले को कैसे करना है, ऐसे ऐसे यहाँ का मसाज करना है। बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज बता रही हूँ मैं आपको, स्पेशली पैरालाइज्ड पेशेंट्स, पैरालिटिक जिनको अटैक आता है या जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, ये रेगुलर करनी चाहिए। 1, 2, इस तरीके से यहाँ का मसाज करेंगे। 1, 2, 3, 4, पहले स्कंद चक्रण, दोनों हाथों को स्कंद मतलब आपके शोल्डर ज्वाइंट पर रखिए, तरीके से आगे ले जाएंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, अगेन डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। सांस लेंगे, पूरा इसको रोटेट करेंगे, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। देखिए कई लोग बोलते हैं हमारे पैर नहीं चलते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आज मैंने एक भी एक्सरसाइज आपको ऐसी करवाई जिसमें पैर का इन्वॉल्वमेंट, एक भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं है जिसमें मैंने पैर का इन्वॉल्वमेंट किया। मतलब जिन लोगों को पैर में तकलीफ है वो लोग अपर बॉडी का एक्सरसाइज करके अपने आप को दुबला रख सकते हैं। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। और जिनके पैर में प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि वो खुदा पानी ना करें, पर वो भी कभी कभी चेयर वर्कआउट करना चाहिए उन्हें। चेयर वर्कआउट का अपना ना सेल्फ इम्पोर्टेंस है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, सांसों का बहुत बड़ा व्यायाम महत्व होता है, इसको बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम को भारत में लाने वाले इंदिरा गांधी के गुरु, इंदिरा गांधी का नाम सुना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहले योग की लहर उन्हें ही फैलाई थी जिसमें सूक्ष्म व्यायाम को लाने वाले हुए थे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अपोजिट साइड, यहाँ पर अपोजिट साइड लेंगे, आंख की बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है चेयर पर बैठे बैठे। कैसे होती है, ये उंगली को ऐसे रखना है, इस उंगली की तरफ देखना है। अब क्या करना है आपको, इस उंगली को साइड में लेके जाना है और अपनी पीपल्स को, फेस आगे रहेगा, पीपल्स को इसकी तरफ लेके जाएंगे और इसकी राइट राइट उंगली की तरफ देखेंगे। मैंने अपनी आंख की पीपल्स को उठा के साइड में रख दिया। अब जैसे 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 ये आएगी, इसको इसकी तरफ ही देखना है, इस अंगूठे की तरफ ही देखना है और इसको यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ वाला अंगूठा उठाया, इसको साइड किया, धीरे 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 इसको लेके गए, कॉर्नर पे लेके गए। उसके बाद सीधे सीधे इसकी तरफ देखते हुए बिना फेस को हटाए, मतलब ऐसे नहीं करना है, सामने की तरफ देखना है, सिर्फ आपकी आंख की पुतलियां साइड जाएंगी और या आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज इसको मानते हैं।
अब आपको इस तरीके से पूरा सर्कल बनाना है, ठीक है? इसको देख के, इस टिप को देख के, बिना फेस को हिलाए, सिर्फ आपकी पीपल्स हिलनी चाहिए, आपकी जो पुतलियां है वो हिलनी चाहिए। तो स्टार्ट करिए, ऊपर लेके जाओ हाथ को। नीचे नीचे जा रहा हाथ तो नीचे देखना, हाँ बिल्कुल, उसके अंगूठे के ऊपर आपकी निगाहें होनी चाहिए। आई साइट स्ट्रॉन्ग करता है, आपको चलिए पे बैठे रहना है, आपको डंबल्स उठा लेते हैं आपके डंबल्स या वाटर, कुछ चीजें आपके साथ होनी चाहिए, जैसे चुन्नी, ये चुन्नी मेरे साथ रहती है ना, डंबल्स, पानी की बॉटल, स्टिक, ये सारी चीजें हैं। टेक योर वाटर, वी विल डू डंबल वर्कआउट, सिटिंग डंबल वर्कआउट, देन सिटिंग सूर्य नमस्कार सिखाऊंगी, जिन लोगों के उतने खराब है यू भी आप सिटिंग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा, सिटिंग एक्सरसाइज होता है। बैठे बैठे आप बाइसेप लगा सकते हैं, 1 2 3 4, जिसके पास डंबल्स नहीं है, इस तरीके की पानी की बोतल सबके पास होती है, प्लास्टिक की, स्टील की, इसमें पानी भर के ले आइए और करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू वेट ट्रेनिंग एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज, ऑल्टरनेट डे वेट ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। इसके बहुत सारे व्यायाम होते हैं जो आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। तो फर्स्ट 1 2 3 4, ये 2 किलो का डंबल है, आप 1 किलो का भी खरीद सकते हैं, आपकी यथाशक्ति, तो उसको करिए करिए करिए। यस, देखिए ऑल्टरनेट हैंड्स चल रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हैंड्स यहाँ से बिल्कुल सीधे हैं, है ना, बिल्कुल सीधे के सीधे ऐसे ऊपर जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे सीधे के सीधे ऊपर जाने चाहिए, ठीक है? अब इसको उठा के डंबल को यहाँ रख दो। यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्राइसेप लगाना है, ये इस हाथ से इस हाथ को सपोर्ट दीजिए, नीचे करेंगे ऊपर, कम से कम 10 बार पीछे ट्राइसेप लगाएंगे। इसमें जो है हमारा हार्ट किधर स्थित होता है, हमारा हार्ट इन बिटवीन रहता है, थोड़ा लंग्स के बीच में रहता है, और लेफ्ट हैंड टिल्टेड रहता है। जब आप ट्राइसेप लगाते हैं तो हार्ट की पंपिंग स्ट्रांग होती है। एक पूरी साइकिल में हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले जो है लेफ्ट ऑट्रियम में ब्लड आता है, सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वेना केवा, दो प्रकार की आर्टरी होती है जहां से ब्लड सबसे पहले हार्ट में आता है। उसके बाद 4 फेजेस में जो है ब्लड की 4 क्रियाएं होती है, ट्राइकस्पिड वॉल खुलती है, राइट ऑट्रियम से ब्लड राइट राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाती है। इस प्रोसेस में 0.1 सेकेंड लगते हैं, कितने, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड में ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में गया, एक वॉल्व खुली और बंद हो गई, कितना, 0.1 सेकेंड। उसके बाद करते जाओ, ये ब्लड जो है जाता है
राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑट्रियम में, मतलब दो चैम्बर इधर के, इधर से दूसरे चैम्बर में जाता है, वहां से लंग्स में जाता है। इस पूरी प्रोसेस में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होके जब ब्लड लंग्स में जाता है, इस पूरी प्रक्रिया में 0.3 सेकेंड और 0.4 सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सारी सारा हार्ट जो है रिलैक्स होता है, और इस पूरी कार्डियक एक्टिविटी में टोटल समय लगता है 0.8 सेकेंड। और जब हमारा वजन बढ़ जाता है तो क्या होता है? हमें आपको वजन बढ़ने के दुष्प्रभाव बता रही हूँ। हार्ट तो बेचारा काम कर रहा है, 0.1 सेकेंड में ब्लड ला रहा है, 0.3 सेकेंड में ब्लड फेंक रहा है लंग्स में, 0.4 सेकेंड में पूरा रिलैक्स होके वापस नए नए एक्टिविटी के लिए तैयार हो रहा है। तो कार्डियक साइकिल इस तरीके से 0.8 सेकेंड की होती है। ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इस तीन प्रोसेस में ये डिवाइडेड है। चलिए करिए। पर हम लोग वजन बढ़ा बढ़ा के और अनशन खा खा के, ये हार्ट जो बेचारा ऑर्गन है 300 ग्राम का होता है महिलाओं में, और पुरुषों में थोड़ा और ज्यादा। चलो करो ट्राइकस्पिक, यहाँ पर ट्राइसेप लगाइए, उसके ऊपर फैट की लेयर जमा कर देते हैं। क्या खाकर? पिज्जा खा के, बर्गर खा के, मैदा खा के, नमक खा के, अत्यधिक लवणी, अत्यधिक तीक्ष्ण भोजन बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। क्यों रेकमेंडेड नहीं है? हार्ट को नुकसान है ना, सबसे ज्यादा नुकसान आप किसको कर रहे हो? वजन बढ़ाकर हार्ट को नुकसान कर रहे हो। हार्ट बेचारा 0.8 सेकेंड में सारे काम करता है, और आप उसका समय, उसे तो वही करना है, प्रेशर मारेगा वो ब्लड में, प्रेशर समझो, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? करो करो करो, धमनियां कड़क हो जाती है तो प्रेशर बढ़ता है, धमनियों के बीच में प्लैक जमा हो जाता है, जो आप अनशन खाते हो वो सब जाके ब्लड की धमनियों में डिपॉजिट हो गया। आपने खाया समोसा, खाया डिपॉजिट, ब्लड की धमनियों में डिपॉजिट, वो डिपॉजिट कर करके ना हार्ट अटैक आ जाते हैं। किसी को एक वेसल ब्लॉकेज, किसी को दो वेसल ब्लॉकेज, किसी को तीन वेसल ब्लॉकेज। चलो वैसे लगाओ, अब ये करो, दोनों डंबल उठा के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हार्ट को ये प्रक्रिया 0.8 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ती है, जिसके कारण, वजन के कारण उस पे आता है प्रेशर, और इसीलिए बढ़ता है ब्लड प्रेशर। इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। और उक्त उच्च रक्तचाप करते करते बेचारा काम करते करते, प्रेशर में काम करते करते, अगर आपको कोई प्रेशर में काम कराए आपको कैसा लगेगा? हार्ट को प्रेशर दे रहे हो ना आप खा खा के। करो करो, ये देखो अभी हार्ट रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि हार्ट ऊपर है। आप क्या कर रहे हो? अपर बॉडी वर्कआउट कर रहे हो। दे आपने हाथ उठा के ऐसा किया, हार्ट हार्ट को इजी हो गया ना ब्लड को फेंकना, हार्ट को इजी कर रहे हो ना। जितना चलोगे, जितना वर्कआउट करोगे, हार्ट स्ट्रांग होता चला जाएगा, हार्ट रिलैक्स होता चला है। अगर 1 सेकंड भी हार्ट रुक जाएगा तो हमारी हरी बोल। इसलिए हार्ट को रिलैक्स करिए, ट्राइसेप लगाइए, डम्बल वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, पैदल चलिए, योगा करिए, स्विमिंग करिए, जॉगिंग करिए, वैसे ऐसे जाओ। वजन कम तो दूसरी सेकेंडरी चीज है, सबसे पहले आपका है हृदय। चलिए अब ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? यहाँ पर पैर हाथ रखना है, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो पैर को, हर पॉइंट पे सोचिए, इसमें नमक तो नहीं है, इसमें कैलोरी ज्यादा तो नहीं है। फोकस, अगर आपने पूरी पराठा खा लिया है, नेक्स्ट डे डिटॉक्स करना जरूरी है। इंद्रियों पे कंट्रोल करिए, इंद्रियों का शमन करिए। सिर्फ वो जिह्वा के 10 सेकंड के लिए खाते हैं हम, अंदर जाके तो सब मिक्स हो जाता है ना? वो सिर्फ जीवान की जो 10 सेकंड का स्वाद है उसके लिए खाते। करो 1, 2, 3, 4, चलाओ पैर। चलाओ चलाओ चलाओ, वेरी गुड। अब इसको ऐसे करो, 1, 2,
टू थ्री फोर। देखो मैंने आपके सामने ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहने हैं, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि घर में बैठी हुई महिलाएं क्या क्या नहीं कर सकती हैं। सूट पहन के साड़ी पहन के भी सब कर सकती है ना। अब उठाओ ऐसा पैर, ओपन करो, होल्ड करो। जिनको घुटने का दर्द है ना, उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है ये। ओपन, बस इस पोजीशन में होल्ड करो, होल्ड पोजीशन में होल्ड करो। अब फिर से पोजीशन में होल्ड करो। यस, अब ये लेग इधर लेके जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको घुमाओ एंगल को। 1 2 डीप इनहेल एंड एक्सहेल। देखो बहुत सारे एक्सरसाइज है, हम यहीं से बैठे बैठे कर रहे हैं, पैर को भी घुमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पे पैर ऊपर जाएगा इनहेल, पैर नीचे जाएगा एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, घुमाओ अपोजिट साइड। पानी पी लो या फ्रेश पी लो आपका। टेक योर अफ्रेश और वाटर और एनीथिंग, एलोवेरा जो भी आप पीते हो। घुमाओ नेल एंड एक्सेल, घुमाओ पूरा, रोटेट करो इसको अच्छे से। Yes. अब इस पैर को अंदर ऐसे लेके जाओ, यहां से पकड़ो, खींच के सामने लेके जाओ। जान नमन, जब पेट के पास में पूरा पैर आ जाएगा तो एक्सहेल इनहेल, ऐसे इनहेल एंड एक्सहेल करो। कुर्सी पे बैठे बैठे कर सकते हो आप। एक्सहेल इनहेल, पेट दबेगा तो क्या, एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल करो करो करो, दोनों पैर से लगातार, दोनों पैर से लगातार करेंगे। ये लंबा टूट गया इस पैर को। डंबल लिए, डंबल से क्या करना है, इधर नीचे जाना है, उठना है, ऐसे एक्सरसाइज। आगे आ जाओ चेयर के, आगे आ जाओ, ऐसे ऐसे करो। पैरों को, हाथ को नीचे ले जाना है, नीचे टच करना है, ऊपर उठाना, ठीक है। चलिए अब सूर्य नमस्कार करेंगे। नमः
नंबर नाम से करिए, हाथ जोड़ेंगे, पीछे हाथ लेके जाएंगे, हस्तुक्ता नासन, पीछे बैकवर्ड बैंडिंग। अब नीचे हाथ रखेंगे इस तरीके से, पादहस्तासन, यहाँ पर इस पैर को पता करके यहाँ पर टच करने की कोशिश, करिए यहाँ तक करिए। ये नीचे नीचे आपको क्या करना है, टच करना है, ठीक है, पादहस्तासन, नीचे जाओ, ये पैर को ऐसे नीचे रख के भी आप यहाँ पर इसको टच कर सकते हो ऐसे जमीन को, है ना, और नीचे पे कैमरा। अब ये पैर को पीछे करो, यहाँ पर लगाओ, भानवे नमः, अगेन डाउन, नीचे कृष्णे नमः, अगेन आदित्याय नमः, उसके बाद अगेन बैकवर्ड बेंडिंग, अस्तुत्तान, अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग, पादहस्तासन करेंगे, नीचे झुकेंगे, देखिए कैसे हाथ रखे हुए हैं ऐसे, पादहस्त, फिर अगेन, फिर वापस पीछे आओ, ठीक है। ये होता है सिटिंग सूर्य नमस्कार, इस तरीके से कर सकते हो। एक बार और मेरे साथ, वन वन टू पीछे जाओ, कान के पास हटा के हाथ रखो, पीछे जाओ, थ्री फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों पैरों के साइड के यहाँ पर हाथ रखो, थ्री फोर, एक घुटने को यहाँ से टच करो, फोर होल्ड, यहाँ पर होल्ड करो, टच करके रखो, पोजीशन पे होल्ड करो, होल्ड पोजीशन पे होल्ड, अगेन और इसको यहां पे लगाने के बजाय ऐसे करो, पीछे मुंह करके फिर आगे मुंह करके फिर नीचे जाना है, फिर वापस नीचे जाइए, पहले यहाँ टच करना है, फिर पीछे मुंह करना है, फिर आगे मुंह करना है, ठीक है, ये प्रोसेस, ये 3 स्टेप हो गए। अब पहले क्या करना है, ऐसा करना है, ठीक है, यहाँ पर टच करना है, उसके बाद पीछे की तरफ, फिर पीछे की तरफ मुंह करो, पहले नीचे मुंह करो फिर पीछे की तरफ, उसके बाद वापस नीचे, फिर वापस पीछे, फिर यस। अब ये दोनों पैरों को रोटेट लेग्स को इस तरीके से रोटेट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, अपोजिट साइड, वन टू
रोटेट करिए, लेग्स को रोटेट करेंगे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो मैंने कल एक्टिविटी बताई थी आपको वो करना है। कौन सी? ये चेयर को ऐसा रख लेना है, ठीक यहाँ पर पैर रखना है ऐसे। अब आपको क्या करना है, नीचे जाना है, नीचे पूरा फ्लोर टच करना है, इधर जाना है, इसको टच करना है, इस पैर को, और नीज के ऊपर क्या रखना है, फेस करना है। अंडरस्टैंड? करेंगे स्टार्ट। फिर यहाँ पर नीचे जाओ, 1, फिर ऊपर आओ, 2, फिर नीचे जाओ, 3। यहाँ पर आप टेबल का सहारा भी ले सकते हैं, और चेयर वर्कआउट करा रहे हैं इसलिए आपको चेयर के बारे में बता रहे हैं कि चेयर को कैसे कैसे यूज किया जाए। इससे आपकी हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो, जो नीचे जो काफ के नीचे जो मसल होती है वो टूटती है, और हैमस्ट्रिंग और थाइस काफ मसल पे वर्क करता है। करेंगे 10 टाइम्स बोथ लेग्स, दोनों लेग से बोल दो 10 बार। यस, वन टू, ठीक है, थ्री फोर फाइव सिक्स, पूरा नीचे जाके हाथ टेकना है, दोनों हाथ टेकना है, ठीक है, करो। 7 8 9 10। अब ये अपोजिट, अब ये वाले लेग से करते हैं, यहाँ पर रखो पैर, ठीक है, यहाँ पर पैर रख दिया, डाउन पूरा फ्लोर पे टच करा, यहाँ पर टच करा, और पूरा फेस इस पे, ठीक है। आपको यहाँ पर स्ट्रेचिंग महसूस होगी और बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 5 6, इस पोजीशन पे होल्ड करिए, पोजीशन पे होल्ड करिए। 7 8 9 10, वेरी गुड। मैट बिछा लो, और ये जो चेयर का ये हिस्सा है यहाँ पर आपको रखना है पैर, सिटअप्स लगाएंगे चेयर के साथ। यस, अब यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पर मैं रखूंगी पैर, ठीक है, थोड़ी देर इधर पैर रख लिया, इधर मैट बिछा ली। अब मुझे क्या करना है, डाउन और पूरा उठना है, ठीक, इसको थोड़ा पास में लेके आती हूँ, पूरा पैर मेरा आ जाएगा, पूरा पैर आना चाहिए यहाँ पर, पैर रखो इस तरीके से, ठीक है, और उठाया बॉडी को, 1 2 3, कितना उठा सकते हो आप, 4 5 6 7, यस, ये पैर को उठा लिया, यहाँ पर डाउन 2 4, डाउन 3 4, डाउन
चलिए, चेयर को सीधा कर लीजिए। ये मैंने एक वेरिएशन बताया, हैमस्ट्रिंग मसल को खोलने के लिए ये वेरिएशन किया जाता है। टेक योर रिफ्रेश, पानी पी लीजिए या फ्रेश जो भी आप पी रहे पी लीजिए। पट्टी चक्र जो हम खड़े खड़े करते हैं वो चेयर के साथ भी होता है। 1, 2, 3, 4 स्पाइनल ट्विस्ट। इट्स टाइम फॉर प्राणायाम। बैठे बैठे कुर्सी पे भी प्राणायाम होता है। डीप इनहेल, अब हम प्राणायाम करेंगे। वो को अंडरस्टैंड सूर्य नमस्कार, सिटिंग सूर्य नमस्कार, मेनी वेट ट्रेनिंग्स एंड मेनी एक्सरसाइजेस जो आज आपको सिखाएंगे। अब आराम से बैठ जाएंगे। चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठे रहिए। चेयर पे बैठ के भी प्राणायाम होता है। विल स्टार्ट विथ प्राणायाम, डीप इनहेल। आप इस तरीके से चेयर पर भी आरती पारकी मार के बैठ सकते हैं। आराम से जैसे आप घर में बैठते हैं इसे बैठ जाएंगे। ज्ञान मुद्रा, देखिए ये होती है वायु मुद्रा, ये होती है आकाश मुद्रा, ये होती है सूर्य मुद्रा। जिनको फास्ट वेट लॉस करना है उनको हमेशा ऐसी मुद्रा बना के रखना चाहिए। सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा बैठे बैठे मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती है। ठीक है, और हाँ, मेटाबॉलिज्म जब फास्ट होता है तो आपका चयापचय दर इस मुद्रा से बढ़ जाता है, और बैठे बैठे आप इस मुद्रा को बना के रखते हैं तो वेट लॉस होने लगता है। ये होती है जल मुद्रा। जल, चींटी उंगली जो है जल को इंडिकेट करती है। तो किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स या वाटर इम्बेलेंस अगर आपके शरीर में है तो जल मुद्रा को बनाइए। इस उंगली को इस अंगूठे से टच करेंगे। ये होती है ज्ञान मुद्रा और ये होती है चिन्ह मुद्रा। किसी भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। मुद्राओं का अपना इम्पोर्टेंस होता है। ये होती है भैरवी मुद्रा, जब आप लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखते हैं तो भैरवी मुद्रा, और ये होती है भैरव मुद्रा। जब राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर होता है तो ये भैरव मुद्रा। इस उंगली को क्रॉस करके यहाँ दोनों उंगलियों को यहाँ पर लगा देते हैं तो ये होती है हृदय मुद्रा। ये उंगली क्रॉस करके यहाँ कहाँ लगा दी, इधर लगा दी, ये होती है हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर या जो भी है, उनके ऊपर काम करते हैं। तो मुद्राओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। धीरे धीरे मैं आपको दूंगी अपने सेशंस में मुद्राओं का ज्ञान। डीप इनहेल, अगेन डीप इनहेल, अपने दाई नासिका को प्रेस करके अपने बाई नासिका से 50 बार एक्सहेल। बाएं नासिका को प्रेस करके देखिए, ये होती है प्रणव मुद्रा। प्रणव मतलब फर्स्ट और सेकेंड उंगली को जब आप क्रॉस करते हैं और अपनी इस उंगली को यहाँ रखकर, अंगुष्ठ को इधर रखकर अपनी लेफ्ट राइट नॉस्टिल को ओपन करिए, ये प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा बनाकर अपनी सूर्य नाड़ी को, अपनी पिंगला नाड़ी को एक्टिव करेंगे। यहाँ से 50 बार एक्सहेल।
अपने दोनों नासिका द्वार से कपालभाति क्रिया करेंगे, आंखें बंद या नासिका दृष्टि किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर अपनी दोनों नाड़ियों से दोनों लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल से 50 टाइम्स एक्सहेल इनहेल करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हर एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है और हर बीमारी वाला व्यक्ति अनुलोम विलोम कर सकता है। चंद्रमा अमन सो जाता है, चंद्रमा अमन का कारक होता है ईड़ा नाड़ी चंद्र, लेफ्ट नाड़ी ईड़ा नाड़ी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, राइट नाड़ी सूर्य नाड़ी सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। तो हमेशा चंद्रमा से शुरुआत करके प्रणव मुद्रा बना के डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल, अपनी ईड़ा नाड़ी से सांस लीजिए एंड एक्सहेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट एंड एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, डीप इनहेल पीठ का प्राणायाम, अपने दांतों को बंद कर लीजिए, इनहेल फ्रॉम द माउथ एंड एक्सहेल फ्रॉम द नोज, दांतों को बीच के इनहेल करेंगे। अपने नासिका द्वार से श्वास प्रश्वास करेंगे, सांसों को बाहर छोड़ेंगे। काम देव के समान शरीर एंटी एजिंग प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम।
भस्त्रिका प्राणायाम वात पित्त और कफ रोग तीनों रोगों का नाशक भस्त्रिका प्राणायाम। डीप इनहेल, प्रेशर से सांसों को बाहर छोड़ना है, ऐसा आपको 11 बार करना है। वेरी गुड। अब जब आपने सांस लिया तो क्या हुआ, लंग्स एक्सपैंड हुआ, डायफ्राम एक्सपैंड हुआ और लंग की कैपेसिटी को आपने इस प्राणायाम से बढ़ाया। उज्जयी प्राणायाम एक्सीलेंट फॉर हाइपोथायरायडिज्म। उज्जयी प्राणायाम करते वक्त आपको नासिका द्वार से सांस लेनी, गले से होती हुई आवाज करनी। उज्जयी प्राणायाम चलते फिरते बैठे कैसे भी किया जा सकता है, लोग बैठे बैठे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने से लंग्स के लिए, अस्थमा के रोगियों के लिए स्पेशली उज्जयी प्राणायाम बताया गया है, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, जिनको हमेशा कफ भरा रहता है। और ट्रेकिया जो आपका इसोफेजियल रसा नाल है, इसको इसोफेजियल ट्रैक बोलते हैं, और इसके पीछे एक ट्रैक होता है जो लंग्स में जाता है। दोनों ट्रैक एक साथ चलते हैं, हमारा श्वास नली और हमारी आहार नली दोनों आगे पीछे रहती है। आहार नली आगे रहती है, श्वास नली पीछे रहती है। तो जो ट्रेकिया होता है हमारा, जो यहाँ से ये इसके ऊपर फैरिंग्स होता है, यहाँ पर होता है लैरिंग्स, जहाँ से हमारी लैरिंग्स के ऊपर होती है वोकल कॉर्ड, जहाँ से हमारी आवाज निकलती है, हम गाना गाते हैं, तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल है, लैरिंग्स, जहाँ पर वो वोकल कॉर्ड रहती है। जब आप उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो ट्रेकिया पूरा क्लीन होता है, और जब ट्रेकिया पूरा क्लीन होता है और यहाँ से जब एयर जब अंदर जाती है, तो ये जो थायराइड ग्रंथि जो यहाँ पर स्थित है, इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, उज्जयी प्राणायाम, नाक से सांस लेना है, देखिए मैं कैसे ले रही हूँ। इनहेल करते वक्त यहां से सांस जानी चाहिए, ठीक है, और एक्सहेल करते वक्त बहुत कम लोगों की जाती है, पर कोशिश करिए कि जाए। अगेन इनहेल, अगेन इनहेल, नाक से होते हुए, गले से होते हुए सांस को अंदर खींचिए, गले से होती हुई आवाज करते हुए। आंखें बंद, अपने अनाहत चक्र पर, अपने हृदय चक्र पर ध्यान लगाएंगे सभी। आंखें बंद रखिए, कंसंट्रेट ऑन हृदय चक्र, बिल्कुल मेडिटेशन करेंगे 2 से 5 मिनट का। अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आपके अनाहत चक्र पर आपके ईश्वर, आपके गुरु, आपके इष्ट विराजमान हैं। सूर्योदय हो गया है, चिड़िया चहचहा रही हैं, मछलियां जल में विचरण कर रही हैं, उपवन फूलों से आलादित है, हरियाली छा गई है, बारिश का मौसम है, बड़ा ही सुहाना सा शीतल वायु आपके शरीर पर टच हो रही है, और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ फलों से आलादित हैं, आम जामुन सारे पेड़ों पर लग रहे हैं, और फलों का मौसम आ गया है, बारिश हो चुकी है, हरियाली आने लगी है, नदियां पानी से भरने लगी हैं, और आपके ईश्वर, आपके गुरु, आपके इष्ट, आपके अनाहत चक्र पर विराजमान हैं, जो कि काल से अवच्छिन्न हैं, जो पहले भी थे, जो अभी भी रहेंगे, और जो भविष्य में भी थे, जो क्लेश कर्म विपाक और आशय मतलब क्लेशों से रहित हैं, जिनको कर्म फल का कोई परिणाम नहीं मिलता, और ऐसे हमारे ईश्वर अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से अलग सदा निरतिशय
सभी कर्मों में श्रेष्ठ, सभी कामों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हमारे ईश्वर, हमारे गुरु, हमारे इष्ट हमारे हृदय चक्र पर विराजमान हैं, जो कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और दीर्घायु होते जा रहे हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं हमारे ईश्वर पूरी कर रहे हैं। और एक ईश्वर की कल्पना करिए, उस ईश्वर की जिसका न आदि है न अंत है, जो काल के चक्र में बंधा हुआ नहीं है, जिसको कर्म फल का कोई कर्म फल से दूर है, कर्मों का कोई फल नहीं। हम उस आत्मा परमात्मा का एक अंश आत्मा हमारे शरीर में विद्यमान है, जो हमारे शरीर को चलायमान कर रही है। उस सूक्ष्म आत्मा से हमारा शरीर चल रहा है। उस ऊर्जा को महसूस करिए। हमारे मन पर कंट्रोल हो रहा है, हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल हो रहा है। हमारा मन विचलित नहीं हो रहा, हमारी इंद्रियां इधर उधर नहीं भाग रही। हमारी घ्राण इंद्रियां, हमारी रसन इंद्रियां, हमारी जीवा हमारे कंट्रोल में है। धीरे धीरे हम सभी चीजों को नियंत्रण में लाते जा रहे हैं। और इस काम के लिए हमारे ईश्वर, हमारे कुश गुरु, हमारे इष्ट हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। कीप योर सेल्फ साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। आपका शरीर ये है वह जगह जहां आप रहते हैं, और इस शरीर को चलाने वाला ईश्वर, उसका अंश आत्मा के रूप में हमारे शरीर में विराजमान है। इस ध्वनि को सुनेंगे, धीरे से अपनी हस्त मुद्राओं का दर्शन करेंगे। पाम पाम नाइस।
पर मैं समझ से पाती चली पलट कर धीरे धीरे अपनी देवियों का निवास होता है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये तो सरस्वती कर नीले तो गौरी सा प्रभाते कर सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ आज हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। तो यस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बेसिक टिप्स टू लूज वेट। ऐसी कौन सी बेसिक टिप होती है जिससे हमारा वजन कम होता है? तो यस, 5 मिनट बोलूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। नेक्स्ट सेशन हमारा अलाइंड है, हमारे साथ नेक्स्ट हमारे कोच जो है वो है बेसिक टिप्स टू लूज वेट। अवर वेट लॉस इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन 5 पिलर्स ऑफ फिटनेस। 5 पिलर पे हमारा वेट लॉस जो है उसके ऊपर टिका हुआ रहता है। फर्स्ट थिंग इज आप कितना पानी पीते हैं, फर्स्ट थिंग इज वाटर इनटेक। पानी कितना पीते हैं उसके ऊपर आपका वजन कम होना बढ़ना निर्धारित है। एक व्यक्ति को कितना पानी पीना है इसके बारे में हम हमेशा बताते रहते हैं, हमारे कोचेस हमेशा बताते रहते हैं, फिर भी मैं इसको बार 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 रिवाइज करती रहती हूँ। वजन के हिसाब से पानी पिया जाता है। मेरा वजन यदि 60 किलो है तो मुझे मिनिमम 3 लीटर पानी पीना, जिसमें से 3 लीटर पानी में से 1.5 लीटर पानी मुझे 10 बजे के पहले, 50% वाटर मुझे 10 बजे के पहले ही पीना। तो पहला पिलर, पहला जैसे एक मकान बनता है तो सबसे पहले नीचे पिलर बनता है उसके ऊपर मकान बनता है, वैसे ही हमारा वजन कम करना या बढ़ाना दोनों केस में हमें क्या करना पड़ता है, पानी की इनटेक पे फोकस करना पड़ता है। अब ये पानी पीना क्यों जरूरी है, इसके पीछे रीजन बताओ। यूरिन का पीएच आप देखते हैं, यूरिन रूटीन करके एक जांच होती है जिसमें यूरिन का पीएच पता पड़ता है। आज आप अपना यूरिन का रूटीन का पीएच करवाना कितनी आपकी यूरिन का पीएच है। यूरिन का पीएच अगर एसिडिक है यानी 5, यूरिन का पीएच अगर 6 के ऊपर आ रहा है मतलब तो आपकी यूरिन अल्कलाइन है और आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। एसिडिटी जो होती है वो व्यक्ति की बीमारियों का बहुत बड़ा कारण बनती है, कम पानी पीना। एक छोटी सी बीमारी नहीं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऑल आर रिलेटेड टू व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन। यूरिन की ग्रेविटी कितनी है, यूरिन का पीएच जो है उसका अल्कलाइन है या एसिडिक है। यदि 6 से ऊपर है, 6 साढ़े 6 से ऊपर अगर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की आ रही है तो समझ लीजिए कि आप सही लाइन पे हैं। पर अगर आपकी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 साढ़े 5 आ रही है तो आप ना वजन कम कर पाएंगे, ना कोई बीमारियों को कंट्रोल कर पाएंगे, हेडेक से ग्रसित रहेंगे, हमेशा सिर दुखता रहेगा। जिन लोगों को पानी की कमी होती है उनका सिर हमेशा दुखता रहता है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि जिनको भी पानी ऐसा लग रहा है कि हेडेक हो रहा है, पूरे टाइम सिर दुखता रहता है, उनको जो है पानी जरूर पीना चाहिए, पानी पे फोकस करना चाहिए। पानी पीने के लिए जरूरी नहीं है कि आप रॉ वाटर पिए। आपने जो शेक पिया है ये भी एक पानी है, आपने जो दाल पी है वो भी एक पानी है, आपने छाछ पी है वो भी एक पानी है। पर कौन सा पानी नहीं पीना, दारू वाला पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक वाला पानी नहीं पीना है। कोल्ड ड्रिंक वाला पानी उल्टा डिहाइड्रेशन करता है। नहीं तो आप बोलोगे मैडम ने पानी पीने का बोला और सारे पानी होते हैं, तो कल से आप दारू यानी अल्कोहल उल्टा डिहाइड्रेट करती है। ज्यादातर अल्कोहल के पेशेंट्स जो होते हैं वो यूरिक एसिड से सफर करते हैं, क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड की पूरी प्रॉब्लम किससे रिलेटेड रहती है, फिल्ट्रेशन से रिलेटेड रहती है। तो यूरिक एसिड फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है और अगर आप पानी कम पियोगे तो फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम होगी। और इसीलिए दारू वाला पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक वाला पानी नहीं पीना है, किसी भी तरीके का ऐसा पानी नहीं पीना है। घर का दाल का पानी, छाछ, ठीक है, सत्तू पतला पतला, दलिया खिचड़ी, लिक्विड सब्जी, ये सारे पानी आते हैं। ककड़ी के अंदर उसका खुद का पानी होता है, टमाटर के अंदर उसका खुद का पानी होता है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें खुद का पानी होता है। वो ज़्यादा खाने से आप हाइड्रेटेड रहेंगे और आप अपने गोल को अचीव करेंगे। तो पहला पिलर ऑफ फिटनेस इज वाटर इनटेक। और पानी के फंक्शंस क्या होते हैं, पानी वाटर को बैलेंस करता है, स्किन में ग्लो पानी लेके आता है।
कई लोग बोलते हैं आपकी स्किन शाइन करती है, या किसी को अगर ऐसा कोई बोले कि हमें इसकी स्किन शाइन करती है तो क्या करना पड़ेगा, उसको वाटर का इंटेक बढ़ाना, टेक केयर ऑफ। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, कंप्लायंस ऑफ द डाइट। क्या खा रहे हो, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता, आप क्या खा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेट लॉस और इन वेट गेन। न्यूट्रिशन के क्या इंपॉर्टेंट होता है, न्यूट्रिशन में सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स आपकी बॉडी में जाना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स के अंदर विटामिन्स होते हैं, नींबू के अंदर विटामिन सी होता है, एप्पल में आयरन होता है, सीताफल में सबसे ज्यादा आयरन होता है, अमंग वेजिटेबल्स और सबसे ज्यादा आयरन सब्जियों में कमल जड़ में होता है, सबसे ज्यादा आयरन सीरियल्स में बाजरे में होता है। तो क्या आप सीरियल बदल बदल के खाते हैं, क्या आप सब्जियां बदल बदल के खाते हैं, क्या आपके नाश्ते बदल रहे हैं, यानी शेक तो बेस्ट नाश्ता है ही सही, पर क्या आपके फूड में वेरिएशन है। जितना फूड में वेरिएशन लेके आओगे उतनी सारी चीजों से सारी चीजें मिलेगी, है ना। हर चीज में एक अपना उसका अच्छा ही होती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि चटनी आप सिलबट्टे पे पीसते हो और चटनी मिक्सर में पीसते हो, उसमें भी न्यूट्रिएंट में अंतर आ जाता है। सिलबट्टा जो होता है वो आयरन का होता है, लोहे का होता है, जो पुराने लोग यूज करते थे, आयरन कंटेंट उस चटनी में चला जाता है। पर जब आप मिक्सर में पीसते हो तो हाई आरपीएम पे जब वो चीजें घूमती है तो हीट के कारण बहुत सारे विटामिन लॉस हो जाते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो वाटर सोल्यूबल भी होते हैं और ये लॉस भी होते हैं और ये स्टोर भी नहीं होते बॉडी में। तो बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती है, हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है। तो न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपका कोच आपको क्या डाइट दे रहा है, और ऐसा नहीं होता है कि आज आपने चार नींबू खा लिए तो वो चार नींबू कल स्टोर हो जाएंगे और कल की नींबू की छुट्टी, है ना, या आज आपने आयरन का जितना रिक्वायर्ड इंटेक था उतना कर लिया और कल की छुट्टी। यूटेंसिल्स आपके अच्छे होना चाहिए। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि नॉन स्टिक पैन में खाना बनाना बंद करिए। नॉन स्टिक पैन जो होता है उसके अंदर जो फीलिंग होती है, जो ऊपर अच्छी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, पर अगर आपकी कंपनी, जैसे कई लोग क्या करते हैं, नॉन स्टिक पैन खरीद के लाते हैं सस्ते वाले मॉल से, अरे ये 100 रुपए में मिल रहा था, ये तवा हम खरीद के ले आए। अच्छी ब्रांडेड कंपनियों का मेटाटफ कोटेड नॉन स्टिक है तो कोई बात नहीं, अगर वो कोटेड नहीं है तो नॉन स्टिक पैन बना सबसे बड़ा कैंसर का कारण। उसकी जो फीलिंग जो रहती है वो जब हटती है, जब आप उसमें ऐसे ऐसे चम्मच हिलाते हो यूं 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 यूं, तो वो जो फीलिंग जो निकलती है नॉन स्टिक पैन की वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो ट्रेडिशनल कुकिंग पर जाइए, लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करिए खाना बनाने में। आयरन, आपने एक फोर्टिफिकेशन नाम की एक टर्म सुनी होगी, फोर्टिफिकेशन, जैसे किसी चीज में कोई मिनरल नहीं है तो उस चीज में उसको फोर्टिफाई कर दिया जाता है। तो आयरन को फोर्टिफाई करने के लिए, किसी को हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करिए। लोहे के बर्तनों में भी फोर्जा, फोर्जा करके एक पूरी रेंज आती है, वो जो है बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि अगर आपके लोहे का बर्तन लोकल है, उसका लोहा अच्छा नहीं है, तो उसमें जंग लगती है और वो जंग वाले में भी खाना बनाना डेंजरस है। बहुत सारी बारीकियां हैं, फूड कुकिंग में भी बहुत सारी बारीकियां हैं। तो फूड कुकिंग में हमेशा फोर्जा कास्ट वाला आयरन यूज करना चाहिए, और उस आयरन में जब आप खाना बनाते हैं, पर आयरन के साथ भी एक चीज बताऊं, आयरन के वेसल में कभी भी टमाटर का उपयोग ना करें, कैरी की चटनी ना बनाए, बहुत सारी बारीकियां हैं। आयरन वेसल्स को हमेशा जब आप यूज करते हैं तो उसमें हमेशा तेल लगा के रखना चाहिए। तेल लगा के रखने से उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता और उसमें जंग नहीं लगती। मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियां समझा रही हूँ। तो आयरन वेसल्स में क्या बना सकते हो, लौकी बना सकते हो, गिलकी बना सकते हो, कद्दू बना सकते हो, भिंडी बना सकते हो, पर आयरन में कभी टमाटर मत डाल देना गलती से, आयरन में कभी नींबू मत डाल देना गलती से, नींबू टमाटर आयरन से रिएक्शन कर जाएगा। नहीं तो बोला मेघा मैडम ने बोला आयरन में बना और दिए टमाटर डाल के, टमाटर डालना है कभी भी आयरन वेसल का यूज नहीं करना है, रिएक्शन होता है उसका, रिएक्शन टर्म को समझिए, क्या चीज कैसे यूज करना है। इसीलिए हम बोलते हैं कोच 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 और कम्युनिटी, कोच के द्वारा ही आपको सारी चीजें, आप कोई भी चीज खाना बनाना भी सीख रहे हैं तो कोच को फोन लगाओ, मैं ऐसी सब्जी बना रही हूँ, इतना तेल डाल रही हूँ, इतना जीरा डाल रही हूँ, पूछो मेरे लोग। मतलब मैंने एक बार एक क्लाइंट को लिखा लुंजी लुंजी खाना है आपको, उनकी मदर का फोन आ गया, लुंजी कैसे बनाते गूगल पे तो सब चीजें मिलती है, पर हम लोग भी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, ओट्स बनाना सिखाते हैं, दलिया बनाना सिखाते हैं, हम हमारी स्टाइल से सिखाते हैं और हमारी स्टाइल काफी लोगों को पसंद आती है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। न्यूट्रिएंट लॉस कैसे होते हैं, कई लोग क्या करते हैं,
अरे बड़ा जमाना आया था एक बार एक कंपनी का, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। उस कंपनी में लोग ऐसे मार्केटिंग करते थे, वो तो अब फ्लॉप हो रही है वो कंपनी। कंपनियों के नाम हम लेते नहीं है, किसी भी कंपनी का नाम हम नहीं लेते। उस कंपनी में सब्जी काट के रख दो, फ्रिज में रखो, बड़ी फ्रेश रहती है। हाँ, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगी। उस कंपनी के बेटा यूटेंसिल्स में आप कुछ भी रखो, माइक्रोवेव में डालो, खाना बना के रख दो, माइक्रोवेव से जब आपको खाना हो तब माइक्रोवेव में गर्म करके बाहर। अरे भैया माइक्रोवेव यूज करना बंद कर दो, माइक्रोवेव से सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है। डू नॉट यूज माइक्रोवेव, सिंपल प्लेन ओटीजी पे आ जाओ, ओटीजी पे आ जाओ, माइक्रोवेव बिल्कुल बंद कर दो। आपके घर में माइक्रोवेव है और कांच की यूटेंसिल्स, कोई भी कंपनी जो माइक्रोवेव ओवंस बेच रही है वो कभी भी आपको प्लास्टिक के बर्तन यूज करने का नहीं बोलेंगे। ये कंपनी वाले मार्केट करने के लिए अरे ये प्लास्टिक का बर्तन गुदाओ माइक्रोवेव में और 30 सेकंड में गर्म। कभी ऐसी गलती कर मत देना। माइक्रोवेव में प्लास्टिक कांटेक्ट में आता है, चाहे वो कोई बड़ी कंपनी का, यूएस की कंपनी का क्यों ना हो, उसमें प्रॉब्लम आएगी, कैंसर होगा ही होगा। कैंसर का सबसे बड़ा कारण बना प्लास्टिक, प्लास्टिक के यूटेंसिल्स। ये देखो मेरे पास पानी हमेशा स्टील की बॉटल में रहता है, तो प्लास्टिक बहुत कम यूज करती हूँ। प्लास्टिक को यूज करने के तरीके होते हैं। अगर आपके घर में प्लास्टिक है तो आप उस प्लास्टिक को फ्रिज में रखते हैं या कोल्ड टेम्परेचर पर रखते हैं तो प्लास्टिक का पानी खराब नहीं होगा। पर जहां आप धूप में आए, इतनी गर्मी लग रही है बाहर, धूप में उस प्लास्टिक की बोतल को घुमाओ और फिर उसको आके उसका पानी गलती से पी मत लेना, वो प्लास्टिक उसमें अंदर चला जाएगा और कैंसर कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारी बारीकी होती है। सब्जी को काट के कभी मत रख देना फ्रिज में। तामसिक भोजन, आयुर्वेद ये बोलता है कि 4 घंटे रखा हुआ भोजन तामसिक होता है। अमृत भी क्यों ना हो, गाय भैंस बकरी कुत्ते काय के लिए बने हैं, उठाओ और दे दो। हमेशा फ्रेश भोजन करने की आदत डालो। इवन आपके जो बच्चे हैं उनको भी आप रोटियां बाई से मत बनवाओ, खुद बना के खिलाओ गरम गरम। बहुत अंतर पड़ेगा दिमाग पे, ब्रेन पे। पड़ी हुई रोटियों से ब्रेन कम चलता है, गर्म रोटियों से ब्रेन ज्यादा चलता है। बहुत बारीकियां बता रही हूँ मैं आपको। दो रोटी बनाने में कोई शरीर नहीं घिसता है ना। मैं खुद रेगुलर खाना बनाती हूँ, तो इन सब बारीकियों को आपको अपनाना पड़ेगा। और ये न्यूट्रिशन पे आपको, द सेकेंड पिलर ऑफ फिटनेस इज योर न्यूट्रिशन एंड थर्ड इज योर माइंडसेट। माइंडसेट पे बहुत जबरदस्त रूप से काम करना पड़ेगा, उसके लिए प्राणायाम करना पड़ेगा। शम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 5 षट संपत्ति बताई गई। शम मतलब मन का नियंत्रण, मन को घुमाने से रोकना है। शम मतलब इंद्रियों का नियंत्रण, इंद्रिया मतलब जीवान चाह रही है रसगुल्ला खाना, नियंत्रण। शम दम उपरति, कोई भी चीज को प्रॉपर टेक्निक से चलना है। प्रति जैसे कोई भी आप 11 का उपवास करते हो तो आप उसका कर्मकांड करते हो ना, कि 11 का उपवास रखा कि ऐसे छोड़ देते हो, उसकी प्रॉपर उद्यापन होती है ना, उसको प्रति बोलते हैं। तितिक्षा, तितिक्षा मतलब आपका वजन कम हो रहा है और बढ़ रहा है, दोनों केस में द्वंद्व को कंट्रोल करके रखना, मतलब आपकी जो फीलिंग्स है उसको कंट्रोल करके रखना, अच्छे और बुरे में समान रहना, उसको तितिक्षा बोलते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को जब आप करना चालू कर दोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ है, वो पूरी रामायण बांट सकती हूँ पर समय मेरे पास कम है, तो ओवर टू यू। यस, तो इन सब चीजों का पालन करना आपको वेट लॉस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंद्रियों का शमन, दैट इज दम। दम पे काम करिए। जो लोग मचलते हैं ना, बिंज ईटिंग करते हैं ना, आइसक्रीम देख के आइसक्रीम दिख जाती है, फिर कोका कोला देख के कोका कोला, कंट्रोल ही नहीं रहता, माइंड और बॉडी का कंट्रोल खत्म हो जाता है, वही आदमी मोटा होता है। तो वो चीज कैसे आती है, प्राणायाम करने से। प्राणायाम क्यों करवाते हैं हम आपको, जब आप लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS एक्टिव होता है और व्यक्ति ज्यादा स्टेबल होता है, मेंटली और फिजिकली स्टेबल होता है, उसको भूख कंट्रोल करना सीख जाता है वो। ये बहुत डेप्थ वाला नॉलेज है, पर प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। 15 मिनट रेगुलर प्राणायाम करना है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अब हम जो है हमारा सीनियर वेलनेस कोच मैडम, कौन से MC को बना दूं होस्ट? जी मैम बताइए। ओके, ओवर टू यू जीनत मैम फ्रॉम मुंबई, आपके साथ मुंबई से कनेक्टेड है। यस मैम।